हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होती है कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है फिर हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और प्रोसेस के ऊपर सो कम्युनिकेशन का मीनिंग अच्छे से समझना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो कम्युनिकेशन होती क्या है कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग ए मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू ए मीडियम विच मे बी इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स पिक्चर्स जेस्टर्स ऑडियो वीडियो टेक्सट एक्सेट्रा सो कॉम्युनिकेशन सबसे पहले क्या है एक प्रोसेस है ये प्रोसेस है किस चीज़ की हम इसमें एक मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दो पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्ड हैं कम्युनिकेशन में जहाँ पर मैसेज को ट्रांसमिट किया जा रहा है फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर और इसमें हम एक मीडियम यूज़ कर रहे हैं दिस इज इम्पोर्टेंट कॉम्युनिकेशन में हम एक मीडियम यूज़ कर रहे हैं बिना मीडियम के कोई कॉम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है सो so, बिना मीडियम के कोई पॉसिबल नहीं है तो हम किस तरह के मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम फॉर द कम्युनिकेशन इन मीडियम वी आर यूजिंग ओरल वी आर यूजिंग ओरल मीडियम्स रिटन मीडियम pictures, messages. हमारे जेस्टर्स ये बर्बल भी हो सकते हैं नॉन बर्बल भी हो सकते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के मीडियम्स आप जैसे कि टीवी पे न्यूज देखते हैं तो वो भी एक मीडियम है रेडियो इज आल्सो इन मीडियम इंटरनेट के ऊपर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो भी आपकी इफॉर्मेशन है आपका मीडियम बन जाता है आपका मोबाइल फोन अभी मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ थ्रू यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिस इज आल्सो अ मीडियम टू ट्रांसमिट अ मैसेज फ्राम वन पर्सन टू अनदर और ये किस तरह से हो सकता है इट जिस मैसेज जो मैसेज आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दिस मैसेज मे बी इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स वर्ड्स में हो सकता है पिक्चर्स आप सेंड कर सकते हैं जैसे कि आप ग्रीटिंग्स भेजते हैं आप किसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आप किसी भी फेस्टिव के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर हम पिक्चर्स भेजते हैं और ग्रीटिंग्स करते हैं लोगों को तो वो क्या है वो भी हमारा एक मैसेज है इन फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स है के हम हैं. के कैसे? के हमारे होते हैं, जैसे कि हम ताली बजा के, कि के काम की सराहना हम करते हैं तो हम तालीब जाते हैं बी क्लैप सो क्लैबिंग हम कर रहे हैं तो वो हमारा एक जेस्टर है हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं वो भी हमारा एक जेस्टर है सो वी आर ट्रांसमिटिंग अवर मैसेज थ्रू अस्टर ऑल्सो इट कुड बी ऑडियो इट कुड बी अडियो और अ भी हो सकता है यानी कि कुछ रिटर्न फॉर्म में आप भेज रहे हैं वो भी आपका मैसेज हो सकता है सो so, आपका मैसेज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मस में हो सकता है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेज रहे हैं तो इस सारे की प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्युनिकेशन राइट सो कॉम्युनिकेशन जो वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को कम्युनिकेशन को इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम्युनिकेर इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कॉम्युनिकेशन के वर्ड को कौन से वर्ड से लिया गया है और वो किस भाषा का वर्ड है तो so, ये लैटिन वर्ड है कम्युनिकेट जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू शेयर जिसका मतलब क्या है शेयर करना कम्युनिकेशन में हम करते क्या हैं हम एक मैसेज को आइडिया को अपनी थाउट्स को अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं दूसरे पर्सनस के साथ तो कम्युनिकेट का मतलब यही है टू शेयर सो कॉम्युनिकेशन वर्ड हैज़ मीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड ओके सो कम्युनिकेसन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ एंड वी आर कॉम्युनिकेटिंग एवरी सिंगल टाइम सो कॉम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह से हम जब भी आप देखें तो कॉम्युनिकेशन से ही हमारी एक तरह से लाइफ चल रही है हम कुछ भी कर रहे हैं कॉम्युनिकेशन के थ्रू कर रहे हैं हाँ पढ़ रहे हैं कॉम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है आपको अपनी फैमिली से बात करनी है आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है आपको बिजनेस में बात करनी है आपको आप काम कर रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं वहाँ पे आपको बात करनी है तो कम्युनिकेशन से ही सारी बातें हो पा रही हैं अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो लाइफ ही नहीं चल पाएगी और वी आर कम्युनिकेटिंग एवरी सिंगल टाइम इस तरह से देखो हर वक्त आप खुद नोटिस करके देखिए आप हर वक्त कुछ ना कुछ बात कर ही रहे होते हैं जब किसी के साथ होते हैं तब तो कर ही रहे होते हैं जब आप अकेले होते हैं आप तब भी बात कर रहे होते हैं आप खुद के साथ बात कर रहे होते हैं आप प्लान बना रहे होते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए मेरा स्टडी टाइम क्या होगा मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ मुझे आज ये पढ़ना है मुझे आज इस तरह का ये वीडियो देखना है मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जाकर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो ये सारा जब भी आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं जिसे हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं सो वी आर कम्युनिकेटिंग एवरी सिंगल टाइम सो दैट्स ई दिस कॉम्युनिकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ्स आप रिलेशनशिप्स में बात करें तो आप बात कर रहे हैं तब रिलेशनशिप्स में आपकी बात हो रही है आप ऑफिस जा रहे हैं वहां पर आप अपने आप आप क्लीग के साथ बात कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं अपने इंप्लॉयज के साथ बात कर रहे हैं सो so, किसी न किसी फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रही है मे बी इट इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स मे बी इट इन फॉर्म ऑफ जेस्टर्स मे बी इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और वीडियोज बट कॉम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हो रही है दैट्स वाई दिस कॉम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ सो so, कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन हेल्प्स अ ह्यूमन बीइंग टू ट्रांसमिट देयर थाट्स फीलिंग्स एंड शो बिहेवियर टू अदर पीपल सो कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है हमारे जो थाट्स होते हैं आपके माइंड में कोई थाट्स आया है आपको उसको ट्रांसमिट करना है किसी दूसरे को हाउ डू हाउ वी विल डू विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ अवर कम्युनिकेशन वी यूज सम मीडियम वी फॉर्म आवर मैसेज एंड ट्रांसमिट अवर थाट्स टू समन आप कुछ फील कर पा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है आप सैड हैं हैप्पी हैं अगर जैसे कि आप आपने रिजल्ट देखा अपना आपका जे क्रैक हो गया अब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको अच्छी फीलिंग आ रही है अब जैसे अगर आप घर से बाहर हैं तो आप अपनी पेरेंट्स को बताएंगे तो उस फीलिंग्स को कैसे आप बताएंगे आप कम्युनिकेट करके बताएंगे ठीक है आपको कुछ बुरा लग रहा है अच्छा नहीं लग, अच्छा नहीं फील हो रहा है आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है आप कुछ कुछ शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ हाउ आप कैसे करेंगे हाउ विल यू डू यू विल यूज द कम्युनिकेशन आपको कोई बिहेवियर दिखाना है अपना आप गुस्से में हैं अच्छी खुशी हैं जो फीलिंग्स आपकी जनरेट हुई है उस फीलिंग्स का जो बिहेवियर है आपको वो दिखाना है कि हाउ आई एम फीलिंग तो वो बिहेवियर आप शो करेंगे दूसरे पीपल्स को हाउ विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन

आपने देखा होगा स्कूल लेवल के ऊपर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस होती होंगी कॉलेज लेवल के ऊपर पीजी लेवल के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन की क्लासेस रही होंगी सो कम्युनिकेशन की क्लासेस क्यों लगाई जाती हैं सॉफ्ट स्किल हम इसे कहते हैं बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू हैव बिकॉज अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं आप तभी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं चाहे आपका कोई भी एरिया है आपकी कम्युनिकेशन होना जरूरी है एंड रिमेंबर कॉम्युनिकेशन में किसी लैंग्वेज किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही होना जरूरी नहीं है कॉम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है किसी भी फॉर्म में हो सकती है सो कॉम्युनिकेशन कैन बी इन एनी कैन बी इन एनी लैंग्वेज कैन बी इन एनी फॉर्म बट यू शुड हैव दिस स्किल इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज राइट सो कॉम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आप जो आप में होनी चाहिए चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसमें अच्छी कॉम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए और ये आपके हर एक एरिया में इंपॉर्टेंट है आप जैसे रिलेशनशिप्स ही अपने ले लें आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स हैं आपकी अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन हैं आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन हैं आपके स्पाउस uh, के साथ आपका रिलेशन है तो किस तरह से आप उनके साथ अगर कम्युनिकेट आप अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो वो रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहती हैं आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में क्रिएट हो गई कैसे दूर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन दैट्स भाई इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव इन एवरी वॉक्स ऑफ द लाइफ ओके आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में कॉम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप चाहते हैं आप किसी कस्टमर से आपको बात करनी है हाउ डू यू कॉम्यनिकेट हाउ विल यू कम्युनिकेट योर मैसेज टू द कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन आप एक सुपीरियर लेवल पर काम कर रहे हैं आपको अपने इंप्लॉज़ को डायरेक्शन देनी है अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी सो दैट्स वाई दिस कॉम्यनिकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में आप देखते होंगे कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपका इंटरव्यू में अच्छे से आप कॉम्युनिकेट कर पाते हैं अपने इरादों के बारे में अपने स्किल्स के बारे में कि किस तरह से आप जॉब वो करेंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं दैट्स कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट और इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस कोई भी प्लेस हो आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कोई भी सिचुएशन हो आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है आप किसी भी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन का रोल हमेशा ही रहेगा

बाई है एक्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है बाई को ठीक है और इसके पास एक किसी चीज का मीनिंग है तो उस मीनिंग को बाई तक पहुंचाने के लिए एक तरह से एक ब्रिज का काम करेगी हमारी कम्युनिकेशन तो ये ब्रिज का जो रोल है वो प्ले करेगी कम्युनिकेशन सो इट इज अ ब्रिज ऑफ अ मीनिंग बिटवीन पीपल सो ये दिस इज दिस वॉज द डेफिनेशन एज पर द कैथ डेविस सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्युनिकेशन और वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Communication, another very important topic. Many questions in the exams are being asked from the communication characteristics of communication. Many questions have already been asked in the previous years, and there are chances in the future also that there will be some questions from the concept of characteristics of. कम्युनिकेशन, राइट सो कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे ही फ्यूचर में जरूर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से सो नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सो so, कम्युनिकेशन क्या है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और कंटिन्यूस का मतलब है कि चलती रहती है कभी खत्म नहीं होती सो कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ये कभी खत्म नहीं होती है, so, है, है। यानी कि आपने आज बात करी तो ऐसा नहीं कि आप कल बात नहीं करेंगे यू आर कम्युनिकेटिंग टुडे यू विल आल्सो कम्युनिकेट टुमारो राइट सो ये जो कम्युनिकेशन है एक कंटिन्यूसली चलती रहेगी इट्स अ पर्पज़ एक्टिविटी वैन एवरी टॉकिंग देर इज अ प आप किसी उद्देश्य से बात कर रहे हैं जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं देर इज़ परपज आपके पास एक पर्पज़ है कुछ मैसेज है कुछ थाउट्स हैं कुछ फीलिंग्स हैं उनके पीछे कुछ पर्पज है किसी दूसरे को बताने के पीछे जब भी आप कोई मैसेज किसी को सेंड कर रहे हैं आप कोई पर्पज़ होता है दैट्स वाई द कम्युनिकेशन इज अ परपजफुल एक्टिविटी कॉम्युनिकेशन इज परवेसिव एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि कॉम्युनिकेशन हेल्प्स यू इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ कॉम्युनिकेशन इज परवेसिव ये चाहे आपका बिजनेस है आप एक एम्प्लॉई हैं आप चाहे कुछ भी नहीं करते हैं चाहे घर में ही रहते हैं चाहे घर में आप बात करते हैं रिलेशनशिप्स में फैमिली के साथ बात करते हैं सो कॉम्युनिकेशन इज परवेसिव इट्स एवरीवेयर आप एक कंट्री में दूसरी कंट्री में हैं आप पूरी दुनिया में किसी भी कोने में हैं कॉम्युनिकेशन विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल दैट्स बाई इट इज़

फ़ोन कर पाते हैं फोन पे बात कर पाते हैं हम ई के थ्रू बात करते हैं मैसेजेस के थ्रू बात करने करते हैं अभी आई एम टॉकिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो सो दिस इज अ डायनामिक प्रोसेस इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे नए नए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास आते जा रहे हैं सो इसलिए कम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन क्या है एक डायनामिक प्रोसेस है सो कम्युनिकेशन इज इन इफेक्टिव विदाउट फीडबैक सो फीडबैक अगर कम्युनिकेशन में नहीं होगा तो प्रोसेस एक इन इफेक्टिव हो जाएगी अगर आपने किसी को मैसेज भेजा और वो मैसेज आप भेज रहे हैं और आपको पता नहीं है कि जो रिसीवर है जिसे मैंने मैसेज भेजा उसे मैसेज मिला या नहीं द पर्सन जो मेरा रिसीवर है दैट पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड माई मैसेज और नॉट सो विदाउट फीडबैक योर कॉम्युनिकेशन प्रोसेस विल बिकम इन इफेक्टिव सो स्टूडेंट्स दैट इज़ वाई फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन जब आपको फीडबैक मिल जाता है रिसीवर से तो ये गारंटी हो जाती है कि आपको जो मैसेज है वो उस तक पहुंच चुका है और आपकी जो कम्युनिकेशन जो भी आपका इंटेंडेड मैसेज था जो आप भेजना चाहते थे वो वहाँ तक पहुँच चुका है सो कॉम्युनिकेशन इज़ इंटर डिसिप्लिनरी सो इंटर डिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन जो है एज ए सब्जेक्ट एज ए डिसिप्लिन ये इंटर डिसिप्लिनरी है बहुत सारे जो डिसिप्लिन हैं उनकी उसकी एप्लीकेशन आपको कम्युनिकेशन में देखने को मिलती है कैसे देखो कॉम्युनिकेशन जब हो रही है तो ह्यूमन बींग इन इन है ठीक है तो ह्यूमन बींग्स इवाल्व्ड है तो जो ह्यूमन बींगस है बहुत सारे चीज़ों को हमें यूज़ करते हैं ह्यूमंस की पर्सनैलिटी है उनका बिहेवियर है ह्यूमंस का एटीट्यूड है तो ये सभी चीज़ें साथ में आ रही हैं तो इंटर डिसिप्लिनरी बन जाता है साइकोलॉजी इसमें आएगा सोशियोलॉजी आएगा एंथ्रोपोलॉजी आएगा तो ये सारे डिसिप्लिन साथ में मिल कम्युनिकेशन को बनाते हैं सो so, कम्युनिकेशन में साइकोलॉजी इसलिए आएगा क्योंकि कॉम्युनिकेशन uh, में जो है वो uh, आपके साइकोलॉजी uh, क्या है स्टडी ऑफ माइंड सो आपका जो है किस तरह का थाट प्रोसेस है जिस जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसलिए साइकोलॉजी आएगी सोशियोलॉजी आएगी क्योंकि सोसाइटी में आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के तो दैट इज भाई कम्युनिकेशन इज द इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नेक्स्ट हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कॉम्युनिकेशन की तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व अ मीडियम सो देखो कम्युनिकेशन में एक मीडियम इन्वॉल्व होता है बिना मीडियम के कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है तो मीडियम क्या है मीडियम कैन बी ऑफ एनी टाइप ऑफ मीडियम आपका जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मीडियम आप जो है वो वर्ड्स के थ्रू भेज सकते हैं आप लिख आप बोल के आप बोल के अपना मैसेज को भेज रहे हैं आप लिख के मैसेज को भेज रहे हैं आप ऑडियो के थ्रू भेज रहे हैं वीडियो के थ्रू भेज रहे हैं मास मीडिया है जैसे कि आप टी देख रहे हैं ठीक है तो टी आप देख रहे हैं तो टी के ऊपर आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो टी भी आपके लिए एक जो जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनका एक मीडियम है वो भी आप तक मैसेज पहुंचाने का गवर्नमेंट आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है थ्रू देयर वेबसाइट्स थ्रू द टीवी थ्रू रेडियो थ्रू न्यूज़पेपर तो ये सारे क्या हैं एक मीडियम्स हैं जिसके थ्रू मैसेज को कम्युनिकेट किया जाता है आप भी वेरियस टाइप्स के मीडियम्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए आप मोबाइल के थ्रू मैसेज भेजते हैं आप ई करते हैं मैसेज करते हैं सो ऑल दिस थिंग्स आर द मीडियम विच एक्ट्स लिंक बिटवीन द टू पीपल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्वस अ कॉमन लैंग्वेज कॉम्युनिकेशन में कॉमन लैंग्वेज होती है वॉट डज इट मीन इट मीन्स कि कॉम्युनिकेशन में जब अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ सो मैं उसी लैंग्वेज में करूंगा जिसमें आपको समझ में आ रहा है अगर मैं ऐसी लैंग्वेज में कॉम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दूँ जो आपको समझ में नहीं आती है तो वो कॉम्युनिकेशन पूरी नहीं होगी सो so, दो लोग जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं सो दे यूज द कॉमन लैंग्वेज दैट्स वाई कॉम्युनिकेशन इन्वॉल्व अ कॉमन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वाई communication is a complex process it's a complex process because there is a different different meanings of the world ठीक है आप किसी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो एक कल्चर में उसका डिफरेंट मीनिंग होगा दूसरे में डिफरेंट मीनिंग हो सकता है आप जब आप मैसेज भेज रहे हैं तो हो सकता है आपका जो मैसेज भेजने का इंटेंशन है वो कुछ और है लेकिन जिस पर्सन को आप मैसेज भेज रहे हैं उसने जो मीनिंग है उसका कुछ और समझ लिया आप क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अलग है आपकी साइकोलॉजी अलग है जिस पर्सन को आप मैसेज भेज रहे हैं उसकी साइकोलॉजी अलग है सो दैट इज़ भाई कॉम्युनिकेशन बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसमें बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इन्वॉल्व होती है सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद द

और इन जो भी इस प्रोसेस में जो भी हर स्टेप होता है उस तो स्टेप का मीनिंग क्या है तो देखो सेंडर से आपकी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी सेंडर से मैसेज एनकोडिंग चैनल रिसीवर डी फीडबैक और बीच में नॉइज भी आएगा सो तो डिटेल में हम इनको समझते हैं इस प्रोसेस को इस डायग्राम से आपको ये अच्छे में समझ में आ रहा होगा तो सबसे पहले हम बात करें तो सेंडर तो सबसे पहले सेंडर है तो इस तरह से एक कम्युनिकेशन ये चलेगी ठीक है तो आपके यहां पर सबसे पहले है सेंडर तो सेंडर कौन है सेंडर वो पर्सन है जिसको मैसेज भेजना है एक ऐसा पर्सन जिसको मैसेज भेजना है जिसके माइंड में ये थाउट आया है कि मुझे कुछ सेंड करना है वो पर्सन जो मैसेज को भेज रहा है वो सेंडर है तो जो सेंडर है देखो इट कुड बी अ नेचुरल पर्सन इट कुड बी एन आर्टिफिशियल पर्सन नाउ हाउ आर्टिफिशियल जैसा कि कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पता भी होगा हम जब कंपनी पढ़ते हैं कि बट इज अ कंपनी तो हम पढ़ते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ह्यूमन बींग से मिल रहा है तो हम कहेंगे कि नेचुरल पर्सन जो है वो सेंडर है कम्युनिकेशन प्रोसेस में बट इफ आई से कि मुझे पर्टिकुलर आपने आप एक एग्जांपल लेके चलो कि आपने एक प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करा किसी ई कॉमर्स कंपनी से ठीक है तो ई कॉमर्स कंपनी से आपने एक ऑर्डर लिया है अब वो कंपनी है लेट्स सपोज कोई कंपनी है तो उस कंपनी ने आपको एक मैसेज करा एक आपको इन्फॉर्मेशन दी अबाउट योर प्रोडक्ट तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी से जब आपको मैसेज रिसीव हो रहा है तो हम कह सकते हैं दैट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि मैसेज कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम अ ह्यूमन बींग मैसेज कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी अगर कंपनी में भेज है, यहां तो एक्चुअली यहाँ पर इन्वॉल्व तो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं ठीक है कंपनी में भी कोई पर्सन बैठा है जो आपको मैसेज कर रहा है लेकिन हम कलेक्टिवली कह देते हैं कि मुझे उस कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया है तो वो एक हम उस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं द वर्ड वी आर यूजिंग इज दैट द मैसेज इज सेंड बाई द कंपनी तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर सेंडर हो सकती है एक पर्सन भी सेंडर हो सकता है नॉन सो यह सेंडर कौन है द पर्सन हु इज़ ट्रांसमिटिंग द मैसेज नॉ लेटस मूव टू द सेकंड स्टेप विच इज द मैसेज सो सेंडर है सबसे पहले सेंडर के बाद आएगा मैसेज तो उस मैसेज क्या है वो थाउट है फीलिंग है वो एक बिहेवियर है जो सेंडर ट्रांसमिट करना चाह रहा है तो यहाँ पर जो मैसेज है ये मैसेज जो है उसके सिर्फ अभी तक माइंड में है तो एक सेंडर है पर्सन है वो इज़ ट्राइंग टू सेंड द मैसेज और जो मैसेज है अब वो यहाँ पर उसके पास एक मैसेज है जो वो भेजना चाह रहा है तो सेकेंड स्टेप इज द मैसेज तो एक सेंडर है जो एक मैसेज भेजना चाह रहा है ये मैसेज उसके माइंड में फॉर्म हुआ है इट कैन वी थाउट इट कैन बी अ फीलिंग इट कैन बी एनी थिंग हमने पहले भी पढ़ा था कि मैसेज कैन बी इन फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो पिक्चर फीलिंग जेस्टर्स तो ये एक मैसेज है जो भी उसके माइंड में है जिसको वो सोच रहा है कि ट्रांसमिट करना है अब जब उसके पास एक सेंडर है हमारे पास एक मैसेज है तो वो उस मैसेज को एनकोड करेगा ना व्हाट इज एनकोडिंग जो मैसेज है आपका यहां पर सेंडर के माइंड में अभी है ये थाउट है फीलिंग है पिक्चर है कुछ भी है तो अभी उसके माइंड में है कि सेंड करना है सो नाउ द पर्सन विल एनकोड दिस मैसेज हाउ द पर्सन विल एनकोड द मैसेज एनकोडिंग में आप इसको एक फॉर्म देंगे ठीक है तो जो मैसेज है उसको जब फॉर्म देने की जो प्रोसेस है वो एनकोडिंग है ठीक है अब आपके माइंड में किसी को थाउट आया है कि मुझे विश करना है सो so आप विश कैसे करेंगे आप लिख के कर सकते हैं तो आप अपने उस विश को जो भी आपके माइंड में है कि मैं क्या मैसेज पर्टिकुलर विश में किसी को वर्ड विश मुझे करना है तो उस विश में मैं क्या लिखूंगा वो आप लिखना स्टार्ट करेंगे आप उसको लिखेंगे उसको फॉर्म देंगे वर्ड की आप उसको वीडियो बना के भेज सकते हैं तो वो आप वीडियो में अपने मैसेज को डालेंगे आप पिक्चर भेज सकते हैं तो आप उस पिक्चर में उस मैसेज को लिखेंगे तो वो ये एनकोडिंग प्रोसेस होती है अपने मैसेज को उस फॉर्म में लिखना जिस फॉर्म में जो रिसीवर है आपका वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए शेप टू ए मैसेज सो दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द मैसेज दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग अब आप मैसेज की एनकोडिंग करेंगे तो उसको सेंड करेंगे थ्रू अ चैनल तो अब चैनल के थ्रू आप उसको सेंड करेंगे अब चैनल कैन बी एनीथिंग मैंने आपको बताया आपने अब आप किसी को मैंने कहा जैसा कि हमने कहा कि आपको वर्ड ए विश किसी को करना है आपने डिसाइड कर लिया आपने मैसेज को एनकोड कर लिया कि मुझे वर्ड ए विश क्या करना है नाव आप एक चैनल का यूज़ करेंगे आप हो सकता है खुद पर्सन के पास जाएँ उससे मिलें और उसको वर्ड ए विश करें या फिर आप उसको ई करें तो उस केस में ई आपका चैनल हो गया ठीक है ऑनलाइन मीडियम का आप यूज़ कर रहे हैं आप उस पर्सन को मैसेज लिख के दे विश कर रहे हैं आप उसको कार्ड दे रहे हैं लेटर लिख रहे हैं तो ये सारे क्या हैं दीज आर द चैनल्स दैट यू आर यूजिंग इन द कम्युनिकेशन ठीक है तो जब चैनल का आप यूज करके बाद नेक्स्ट हमारा जो है पर कॉम्पोनेंट है प्रोसेस में वो है रिसीवर तो रिसीवर इज़ द पर्सन हु इज रिसीविंग द मैसेज तो जैसे कि हमारा सेंडर था वैसे ही हमारा रिसीवर है रिसीवर यहाँ पर मैसेज को रिसीव कर रहा है जो भी आपने उसको इस चैनल के थ्रू भेजा तो जो रिसीवर है जो मैसेज को रिसीव करेगा वो उसको एन करेगा पहले हमारी एनकोडिंग नाउ इट इज डी कोडिंग डी कोडिंग में क्या है, जो रिसीवर है वो उस मैसेज को समझ रहा है यहां पर आपने एनकोड किया था जिस फॉर्म्स uh, में आपने वर्ड्स में लिखा होगा पिक्चर है वीडियो है कुछ भी है उसको आपका रिसीवर यहां पर डिकोड कर रहा है अपनी भाषा में लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश कर रहा है तो डी करेगा रिसीवर उस पूरे मैसेज को उसको समझेगा एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट द सेंडर हैज़ ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर जो आपका रिसीवर होगा वो प्रॉपर यहाँ पर फीडबैक आपको देगा तो जब आपकी यहाँ पर फीडबैक हो जाएगी तो ये फीडबैक जो है यहाँ पर दोबारा रिसीवर के पास जाएगा और इस तरह से पहले मैसेज जो है वो आपके रिसीवर तक गया उसके बाद ये यहाँ से फीडबैक आया और फीडबैक सेंडर तक गया तो इसलिए ये कॉम्युनिकेशन प्रोसेस को सर्कुलर प्रोसेस बना देता है ये भी एक फीचर है कॉम्युनिकेशन का जो हमने इस कॉम्युनिकेशन प्रोसेस से देखा कम्युनिकेशन आपके यहाँ पर क्या हो गई एक सर्कुलर होगी इस सर्कुलर प्रोसेस पहले सेंडर मैसेज भेज रहा है रिसीवर तक रिसीवर उसको डीकोड कर रहा है डीकोड करने के बाद वो फीडबैक उसको प्रोवाइड कर रहा है सो इट बिकम्स अ सर्कुलर प्रोसेस तो जब कोई भी आपका रिसीवर है वो फीडबैक प्रोवाइड करवा रहा है प्रॉपर सेंडर को सो आपकी जो ये जो पूरी प्रोसेस है इट विल बिकम अ इफेक्टिव प्रोसेस आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल इफेक्टिव यहाँ पर हो जाएगी इसके साथ बात करें तो जब आप एक और यहाँ पर नॉइज का कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब भी आप किसी भी चैनल का यूज करके अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं रिसीवर को तो क्या हो रहा है यहाँ पर एक नॉइज का फैक्टर आएगा नॉइज क्या है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आप मैसेज को सेंड करते वक्त आपको आ रही है यानी कि हम कम्युनिकेशन बैरियर पढ़ते हैं ठीक है एक अलग कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन बैरियर जिसे मैं एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा सो नॉइज जो है कम्युनिकेशन की वो वहां पर आ जाती है तो ये जो नॉइज है ये डिफरेंट डिफरेंट की है। है, हो सकती है हो सकता है फिजिकल बैरियर हो को साइकोलॉजिकल बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है तो डिफरेंट डिफरेंट काइड्स के जो बैरियर है ये चैनल के किसी भी चैनल के थ्रू जब आप भेज रहे हैं उस टाइम पर यह नॉइज क्रिएट आपकी हो सकती है तो यहाँ पर सेंडर का ये काम है सेंडर को चाहिए कि जब कोई भी वो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है तो ये जो नॉइज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है इस नॉइज़ को वो कम से कम करने कम से कम करें और इस नॉइज़ को जो है वो मिनिमम करें ताकि जो मैसेज सेंड आप कर रहे हो वो रिसीवर तक पहुंचे अगर ये नॉइज़ ज़्यादा रहेगी जो जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है सेंडर का वो डायरेक्ट वो रिसीवर तक हो सकता है जो आपने भेजा है वो रिसीवर तक पहुँचे ही ना ये बीच में अगर यहाँ पर इंटरेप्ट हो गया अगर इस जगह पर ये इंटरेप्ट आपका मैसेज होता है तो जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है वो गलत रिसीवर तक पहुँच सकता है जिससे आपकी पूरी की पूरी जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की वो गलत हो जाएगी मैसेज गलत पहुंचेगा तो इसीलिए इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडर टू रिड्यूस द नॉइज यहाँ पर कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी आपके हो सकते हैं सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम आई होप यू आर नाउ अंडरस्टूड वेल दिस द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन सो दिस पाज अबर टू डेज लेक्चर जिसमें हमने कम्युनिकेशन को पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होती है कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है मीनिंग क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है आई होप इस लेक्चर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प यहाँ पे करी होगी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आने वाले इस तरह के और भी लेक्चर्स पाने के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैप्पी लर्निंग नाइस डे